उन्नाव बिहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हिंदू भाटन खेला गांव की पीड़िता के साथ मार्च में 5 लोगों ने गैंगरेप किया। वहीं पुलिस ने सिर्फ 2 लोगों के ही खिलाफ मुकदमा लिखा था और सिर्फ एक आरोपी को ही जेल भेजा गया। वहीं एक आरोपी जेल में बंद था और जमानत पर आया था। उसी ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर कल सुबह जब लड़की अपने घर के बाहर थी और रास्ता भी सुनसान था, उसी बीच उन 5 आरोपियों ने पीड़िता के ऊपर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। वहीं पीड़िता बुरी तरह से झुलस गई। उसका इलाज दिल्ली में चल रहा है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी में उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने को लेकर आज समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं ने पहले पीड़िता के गांव गए। बिहार थाना क्षेत्र के ग्राम हिंदू पाटन खेड़ा गाँव में जाकर गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की और पीड़िता के पिता से मुलाकात करके पूछा कि तुम कैसा न्याय चाहते हो। तब पीड़िता के पिता ने बताया कि हम ऐसा न्याय चाहते हैं कि जैसा आज हैदराबाद में 4 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, हम ये चाहते हैं कि इन 5 आरोपियों को उन्नाव पुलिस के द्वारा एनकाउंटर कर दिया जाए, तब जाकर हमको न्याय मिलेगा। पीड़िता के पिता ने बताया है कि समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च किया राजकीय निराला उद्यान में। वही समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं ने बताया कि पीड़िता का जल्द से जल्द स्वास्थ्य सही हो जाए। समाजवादी पार्टी के MLC सुनील सिंह साजन ने बताया कि भाजपा सरकार के स्थानीय विधायक आरोपियों को बचाने की मदद कर रहे हैं। सुनील सिंह साजन ने बताया कि पीड़िता को सरकार की तरफ से 25 लाख की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए और परिवार को सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि गैंगरेप पीड़िता के परिवार के लोगों को बराबर धमकी मिल रही है।